नेप्रो पेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। नेप्रो पेट्रोविस्क में बड़ा रूसी मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए। विद द विजुअल्स, कीवरी में कई जगह धमाके रिपोर्ट किए गए, ये तस्वीरें वहीं की हैं। कीवरी हमले पर जेलेंस्की का ट्वीट, कीवरी के रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा है, ये जेलेंस्की ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। उग्लेदार में जारी है भीषण जंग, ब्रेक करिए। फ्रंट लाइन पर हालात तनावपूर्ण, विद द विजुअल्स। रूस ने कहा है, डीपीआर के प्रमुख ने दी जानकारी, यूक्रेनी सेना के रोज कम से कम 5 हमले, रूसी फ्रंट लाइन को ब्रेक करने की कोशिश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, नीपर नदी पार करते वक्त 10 यूक्रेनी की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर, विद द विजुअल्स। नीपर नदी पार करते वक्त 10 यूक्रेनी की मौत, नीपर नदी के ऊपर रूस का पहरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, और राहुल इस की ग्राफिक्स के साथ अगर संभव हो तो अभी तक की जो सारी ब्रेकिंग है, सारी चेन ब्रेकिंग पूरी दिखाते रहिए, किस तरीके से अटैक किया, विद द विजुअल्स। बड़ी खबर ये देखिए, खार्किव में नीप्रो से लेकर रूस, खार्किव में नीप्रो तक रूसी विद्वंस, सीधे प्लीज टिकर ऑफ करिए जरा। खार्किव कुल 122 हमले किए गए, इस्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया, नेप्रोपेत्रोविस्क कीवरी के रिहायशी इलाकों पे अटैक किया गया है, उग्लेदार रोजाना कम से कम 5 अटैक हो रहे हैं वहां पर, नीपर नदी 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल तीन तीन की ब्रेकिंग लीजिए, तीनों के अलग अलग सेट्स बनाइए, सबसे पहले वाले सेट पर आइए, सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, रशिया जो अब अटैक कर रहा है, शहरों को टारगेट कर रहा है, और जिस तरीके से अटैक कर रहा है, आपको क्या लगता है, वेयर आर दे हेडिंग, ये कहां पर जा रहे हैं? देखिए, रशिया अभी तक सिविलियन टारगेट पर अटैक नहीं कर रहा था, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन उनको मजबूर कर रहा है इन इलाकों पर भी अटैक करने की। जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह से एयर अलर्ट साउंड हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, उसकी अब कोई लिमिट नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब रशिया इज इन सम वॉट ऑफ अ हरी, यानी हरी का ये मतलब नहीं कि 10-12 दिन में ख़त्म करेगा, लेकिन वो चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी ये युद्ध विराम हो सके वो हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई 2024 तक खींचे, तो हो सकता है कि इस गर्मी में या इस साल के एंड तक ये लड़ाई को ख़त्म करने के लिए रशिया को कुछ ऐसे हरकतें करनी पड़ेंगी जिससे कि यूक्रेन अब बातचीत के लिए तैयार हो जाए। इसके कई एक पहलू हैं, वो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहता हूँ कि रशिया इज़ नाउ फेयरली डेस्परेट, कि जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है, जिस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से शेलिंग कर रहा है, जिस तरह से एयर अलर्ट साउंड हो रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी डिफेंसेस जो कि बुकमत ने उससे बना रखी हैं उन पर कामयाब है, उन पर ही स्टिल नॉट एबल टू, यूक्रेन स्टिल नॉट एबल टू पेनिट्रेट दोज लाइन्स। सो इस सब चीज़ को देखते हुए यू कैन सी इन सब्सटेंस एट द एंड ऑफ इट कि रशिया इज नाउ प्रीटी मच डेस्परेट कि किसी तरीके से ये समझें, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं।